हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेटी जी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एनालॉग के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एनालॉग में ऑप एम्प, एक्चुअली मैं बता दूं, एनालॉग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो फेवरेट सब्जेक्ट है तो इस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं। तो कुछ कुछ टॉपिक, बहुत सारा कुछ रिमेनिंग टॉपिक है, तो उस पर मैं बीच बीच में वीडियो बताता रहूँगा। जैसे कि हम लोगों का मॉस्फेट रिमेनिंग है, एंड आर आउट कैसे निकालते हैं वो रिमेनिंग है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर लाइक दैट, डार्लिंगटन पेयर, एंड बहुत सारा टॉपिक अभी बचा हुआ है। तो बीच बीच में मैं आप लोगों को अपना फेवरेट सब्जेक्ट का वीडियो बनाता रहूँगा। तो यहाँ पे मैं ओपेम का सवाल करूँगा, आइडियल ओपेम। नेक्स्ट वीडियो में नॉन आइडियल ओपेम का सवाल करूँगा। तो देखिए, एनालॉग मेरा फेवरेट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये सिंबल और ये सिंबल जहाँ भी आ जाता है, जहाँ भी आ जाता है मीन्स क्या, ये सिंबल मेरा दुश्मन है। फेवरेट होने के बाद भी ये मेरा दुश्मन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा मुझे रॉन्ग आंसर देता है। इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जब भी ये सिंबल और ये सिंबल आए, मीन्स डायोड एंड जेनर डायोड, तो रिजेक्ट करना जरूर मत भूलिएगा। क्वेश्चन आंसर जब भी आए तो उसको रिजेक्ट जरूर कीजिएगा, ये सिंबल। बाकी ये डायोड, ये ओपेम डोंट वेरी, ये बहुत ईजी है और इसको हम लोग आसानी से प्रोसीड करेंगे, बना लेंगे। चलिए, ओपन में कैसा भी सवाल हो, और ओपन में बता दूँ, ये 4 to 6 मार्क्स का ओपन क्वेश्चन पूछता ही है, 4 to 6 मार्क्स। कभी कभी तो इंस्ट्रूमेंटेशन में 10 मार्क्स कर देता है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर इसमें आरटीडी एंड ऑल दिस थिंग इसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा वेटेज का ही है। और ये, और इसमें कुछ है नहीं, बस KCL के फिर से कैसे अप्रोच करना है वो मैं बताऊँगा। तो चलिए देखिए, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं अलग कलर यूज किया हूँ। यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये RL है, राइट। ये देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं या नहीं बनाए मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप को पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये क्या है, इसमें बोला गया है कि ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। देखिए, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स या करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स क्या है, ये सर्किट देख के बताना है आपको। अगर वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है तो ये क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा या फिर आइडियल करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अगर आइडियल करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, इनपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, लाइक दैट। इसमें एक ही सर्किट दे देंगे और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको मैं लास्ट में करूँगा, पहले ये करता हूँ। देखिए, जब भी आपको गेन दिया रहे तो हम लोग इसमें फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, हम लोग ऐसा यूज नहीं करेंगे, ये हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोग ये यूज कभी नहीं करेंगे। वी आउट इज इक्वल टू AOL ओपन लूप गेन इनटू वी प्लस माइनस वी माइनस, बस ये फॉर्मूला हम लोगों को याद करने के लिए है, इतना बेसिक हम लोगों को आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे करके सोल्व करने जाएंगे तो तक थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के ओपन में टाइम बचाना है, ताकि हम लोग दूसरे सब टॉपिक को दे सके, जिससे कि रैंक आ सके। तो देखिए, इसको हम लोग, ये फॉर्मूला याद होना है, बस हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये क्या है आपका, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, पॉजिटिव में दिया हुआ है तो नॉन इन्वर्टिंग है, और ये क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अगर गेन आइडियल ओपन है तो इसमें क्या होता है, वर्चुअल सोर्स वैलिड नहीं होता है। आइडियल ओपन में वर्चुअल सोर्स वैलिड है, लेकिन आइडियल ओपन के साथ गेन दे दिया ना, फाइनाइट गेन, क्योंकि आइडियल ओपन का गेन कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, करेक्ट, इसका भी इन्फिनिटी, लेकिन हमारा फाइनाइट गेन दिया हुआ है, तो वर्चुअल सोर्स वैलिड नहीं होगा। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला बेसिक फार्मूला जो मैंने लिखा था, वी आउट इज इक्वल टू, देखिए फिर लिख देता हूँ, वी आउट इज इक्वल टू AOL इंटू वी प्लस माइनस वी माइनस, ये हम लोग यूज करेंगे, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन ये हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम आपको ट्रिक बताऊंगा और डायरेक्ट ट्रिक यूज करेंगे और फॉर्मूला पे उसको पुट करेंगे। जैसे देखिए, ये क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है फॉर्मूला, अगर मान लीजिए आइडियल नहीं रहता तो आप लोग क्या लिखते, 1 + R2 / R1, ये लिखते, बस इतना ही लिखिए, इसको डिवाइड बाई कर दीजिए, 1 + 1 / AOL इंटू
वन प्लस आर टू बाई वन, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये गेन का फॉर्मूला हो गया भी और बाई भी इन। कैसे याद रखना है, अगर ये मान लीजिए नहीं रहता तो हम लोग क्या लिखते, वन प्लस आर टू बाई आर वन लिखते, राइट। तो उसको डिवाइड बाई कर देंगे वन प्लस, अगेन वन प्लस आर टू बाई आर वन डिवाइड बाई ए ओ एल, ये रहेगा। अब आर टू आर वन क्वेश्चन में दिया रहता है, आर टू आर वन क्या है, आर टू मान लीजिए फाइव है, फाइव है, 5 ओम है, आर वन मान लीजिए 1 ओम है, तो एंड ए ओ एल कितना है, 10 है, 10 है। तो हम लोग अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पुट कीजिए, 1 + R2 / R1 मीन्स 5 और एक 6 डिवाइड बाई 1 + ये 6 0.6, 1/10 मीन 0.6 मीन्स 1.6, ये हो जाएगा 0.6, ये कितना हो गया 6/, ये आंसर आ गया 6/1.6। तो देखिए हम लोगों को कुछ यूज नहीं करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइए, मेरे से पहले आंसर लाने का कोशिश कीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये आइए यहाँ पे भी इन है, भी इन है। अब देखिए इसका गेन ए ओ एल दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है आपका, नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग रहता है तो वी आउट बाई वी इन क्या होता है, वी आउट, एक मिनट, वी आउट बाई वी इन ऐसे यहां लिखते हैं, वी आउट बाई वी इन अगर नॉन इन्वर्टिंग रहता है तो क्या लिखते हैं आप लोग, एक ही चीज लिखते हैं, उसको उसी को लिखिए बस, न्यूमिनेटर में आर टू बाई आर वन माइनस आर टू माइनस आर टू बाई आर वन लिखते हैं, वही लिख दीजिए, और डिवाइड बाई सेम, डिवाइड बाई जो वहां पे लिखे थे वही यहां पे लिखिए, सेम ही होता है दोनों का, 1 + 1/AOL × 1 + R2/। अब देखिए इतना सारा फॉर्मूला हम लोग कैसे याद करेंगे, लेकिन कॉम्पेरिजन करके याद रखेंगे तो हम लोग को याद रहेगा। देखिए नॉन इन्वर्टिंग में और इन्वर्टिंग में दोनों का डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, करेक्ट। तो बस आप लोगों को फॉर्मूला भी याद हो गया इजी वे से, और हम लोग को टाइम भी नहीं लगा और इसको सोल्व भी कर दिए। तो ये क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन में आई थिंक 2016 में पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन में आर वन आर टू दिया गया था, फिगर नहीं बनाया गया था, और बोला गया था इन्वर्टिंग है और उसका ओपन लूप गेन फाइनाइट है, तो क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग वन देते हैं, सेम वन यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, और ये 10 दे दिए, तो आप लोग की क्लैरिटी के लिए क्या हो जाएगा, गेन वी आउट बाई वी इन माइनस आर टू बाई आर वन माइनस 0.5, माइनस 0.5 डिवाइड बाई 1 + 1/AOL, राइट, 1/AOL मीन्स 1/10, 0.1। देखिए मैं बना रहा हूँ, कैलकुलेशन कुछ गलत हो जाए तो आप लोग प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही बना रहा हूँ। 0.1 × 1 + R2/R1 मीन्स 1 + R2/R1 मीन्स 1 + R2/R1 0.5, 1.5 ये आ गया। तो ये आंसर कितना हो जाएगा आप लोग बोलिए, माइनस 0.5 डिवाइड बाई 15 मीन्स 1.15, करेक्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला याद करने का, कोई एक बार देख लीजिए जैसे मैं बताया वैसा ही कीजिए। चलिए क्या
क्योंकि ये सब फॉर्मूला मैं ड्राइव करके लिख के तब मैं आप लोगों को डायरेक्ट शॉर्टकट दे रहा हूँ। ये भी हो गया। अब आइए, ये क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अब चलिए, अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर इधर से सॉल्व करते हैं। ओपन का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी रहे, कोई भी ओपन का क्वेश्चन रहे, अप्रोच क्या होगा। पहला, कोई समझ नहीं पाता केवीएल लगाए, केसीएल लगाए, क्या फॉर्मूला लगाए, कुछ आपको यूज नहीं करना है, एक ही चीज यूज करना है, यहां से करंट जीरो, आपको करंट पता चल गया, यहां से करंट जीरो। अब करंट से जाइए, इधर से करंट नहीं जाएगा, इधर से करंट नहीं जाएगा, ये वी आउट दिया हुआ है, ये हम लोगों का ये ग्राउंड है सारा, इस ऑल आइडियल है, और आइडियल ओपन विथ इनफाइनाइट बैंडविथ, करेक्ट, क्योंकि पहले जो वाला केस था उसमें सिर्फ फाइनाइट बैंडविथ, फाइनाइट गेन था, आइडियल ओपन विथ इनफाइनाइट गेन, पहले दो केस था और उसका मैं फॉर्मूला बताया हूँ, इसलिए वही दो केस जो था उसमें गेन फाइनाइट था, ओपन लूप गेन दिया हुआ, तो बाकी सारे में इनफाइनाइट है और सारा कुछ आइडियल है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जीरो वोल्ट, ये जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में लिख लीजिए, यहाँ से करंट जीरो, जो आपको पता है, क्योंकि जो पता है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जीरो वोल्ट, तो यहाँ जीरो वोल्ट आ जाएगा, तो यहाँ से करंट निकल जाएगा हम लोगों का, करंट कितना हो जाएगा, 2 मिली एम्प, 2 मिली एम्प, इधर से करंट जीरो, तो करंट इधर आएगा, इधर करंट आएगा ना, इधर से करंट तो जीरो जाएगा, तो ये करंट हम लोग अभी आउट निकालना है, ये करंट कितना जाएगा, इधर से ही चला जाएगा 2 मिली एम्प, ये भी 2 मिली एम्प इधर आएगा। अब देखिए, प्लस माइनस ऐसे आएगा, तो वी आउट से क्या क्या कनेक्टेड है, वी आउट इज इक्वल टू, यहाँ का वोल्टेज लिखिए, मैं वोल्टेज लिख रहा हूँ, यहाँ का जीरो वोल्ट, यहाँ का जीरो वोल्ट, तो ये माइनस से कनेक्टेड है, तो माइनस माइनस से कनेक्टेड है ना, इधर से करंट जाएगा तो प्लस माइनस, तो माइनस से कनेक्टेड है, तो 6 माइनस 6 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज 6 वोल्ट, 2 3 के है तो 6 वोल्ट, और यहाँ से जाएगा तो 2 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ भी माइनस प्लस माइनस 2 एम्पियर, तो 4 वोल्ट, और यहाँ का वोल्टेज जीरो प्लस जीरो, तो कितना आ गया, वी आउट इज इक्वल टू -10 वोल्ट, करेक्ट। कुछ नहीं देखना है, जो जो पता है उसको लिख दीजिए, ये करंट पता है, ये करंट पता है, इधर से करंट नहीं जाएगा, ये तो हम लोग को आ गया, कुछ नहीं यूज करना है, फॉर्मूला इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, एडर सब्ट्रैक्टर इंटीग्रेटर कंपैरेटर, कुछ यूज नहीं करना है, जैसे हम लोगों का क्वेश्चन आएगा केसीएल केवीएल, ओनली केसीएल एंड केवीएल, दैट इज द टूल्स फॉर एनालॉग। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये हो गया -10 आ गया, आप लोग भी साथ में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं सारे क्वेश्चन, कोई भी बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो भी है, 3 आया 3 ओपन लगा दिया 4 ओपन लगा दिया, जो पता है उससे स्टार्ट कीजिए, जो आपका स्ट्रेंथ है उससे स्टार्ट कीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए, हम लोगों को पता क्या है, करंट जीरो, जीरो लिख दीजिए, कभी भी बनाइए जीरो लिख दीजिए, ये 6 वोल्ट, यहाँ पे भी 6 वोल्ट आ जाएगा, करंट यहाँ पे 6 वोल्ट आ गया, ये 6 है, ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, करंट इधर से जाएगा, कितना, 6 - 0/10 मीन्स 0.6 मिली एम, इधर से करंट जीरो मैं पहले से लिख चुका हूँ, तो ये करंट इधर ही आएगा, इधर से करंट आएगा, तो यहाँ से करंट आएगा, तो यहाँ से वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 100K × 100 मीन्स 60 वोल्ट, करेक्ट, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, IR 0.6 मिली एम इधर से आ रहा है, तो 60 वोल्ट आ गया, हमको वी आउट निकालना है। अब देखिए, वी आउट निकालना है, तो वी आउट के लिए क्या हो जाएगा, वी आउट के लिए हम ग्राउंड से रेफरेंस लेंगे, या वी आउट से ग्राउंड देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक 6 वोल्ट हमको पता है, प्लस 6 वोल्ट, तो लिख लीजिए वी आउट इज इक्वल टू यहाँ का 60 वोल्ट, 60 वोल्ट प्लस 6 मीन्स 66 वोल्ट, देख लीजिए क्या सही आ रहा है कि नहीं, 1 मेगा ओम है ना, यहाँ से 6 वोल्ट, ये भी 6 हो जाएगा, 6 इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट जाएगा नहीं, तो यही करंट इधर आएगा ना, यही करंट
राइट, यही करंट इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 0.6 मिली एम इंटू, 0.6 मिली एम इंटू आई आर, आई इंटू आर मीन्स 60 वोल्ट, 60 वोल्ट और प्लस से वोल्ट, ये प्लस से जुटा हुआ है तो प्लस 60, ये भी प्लस से जुटा हुआ है तो 60, ठीक है, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज हम लोग को पता है ना, सो इधर नहीं जाएंगे, यहाँ तक हम लोग को पता है, तो हम लोगों का आंसर आ गया 66 वोल्ट करेक्ट। बस ये हो गया। चलिए इसमें आते हैं, वी आउट निकालना है, वी आउट निकालना है तो आप लोग ठीक करेक्शन देखिएगा, अगर कॉम कुछ भी करेक्शन अगर हो, अगर मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोग के साथ कर रहा हूँ। वी आई दिया हुआ है, देखिए तो क्या निकालना है, वी आउट निकालना है, तो ये जीरो, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, ये जीरो है तो 0 वोल्ट यहाँ आ गया, 0 वोल्ट इधर आ गया, तो वी वन आप लोगों को पता चल जाएगा, वी वन क्या होगा, वी वन इजकल टू 0 वोल्ट, 0 वोल्ट तो इधर से जो करंट जाएगा यही करंट इधर जाएगा। तो करंट को इक्वल कर दीजिए, करंट को इक्वल कीजिएगा तो वी वन माइनस वी वन बाई 10 के इजकल टू ये करंट इजकल टू वो करंट, इस पे ना ये करंट, करंट ऑलवेज करंट को यूज कीजिए, क्योंकि करंट ही पता रहता है हम लोगों पे कि यहाँ 0 जाएगा यहाँ 0 नहीं जाएगा। करंट इज इक्वल टू ये करंट मीन्स 0, ये करंट दोनों इक्वल है ना, यहाँ पे इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, वी वन इज इक्वल टू आउटगोइंग 0 माइनस वी वन बाई 50 के, राइट के गया, सो वी आई इज इक्वल टू -1/5 V1, राइट। मैं यहाँ पे यूज कर सकता था, नॉन इन्वर्टिंग है मीन्स इन्वर्टिंग है तो -R2/R1 वो भी है, वैसे ये भी है, तो एक चीज़ जानी है, परफेक्ट जानी है। तो यहाँ से हम लोग का वी वन आ गया, वी आई आ गया, ये वी आई आ गया, अब देखिए वी आई आ गया, सो अब देखिए हम लोग को क्या पता है, करंट पता रहता है, यहाँ से करंट 0 जाएगा 150, यहाँ से भी 0, ये 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट को इक्वल कर दीजिए, ये करंट प्लस ये करंट इजकल टू ये करंट। अब देखिए मैं कर रहा हूँ, सो वी आई, वी आई इनकमिंग इजकल टू आउट गोइंग, सो देखिए वी आई हम लोगों को पता नहीं है ना, सो क्या है, तो वी आई माइनस 0, वी आई यहाँ का वोल्टेज 0 है ना, वी आई माइनस 0/25 के प्लस ये करंट, प्लस ये करंट वी टू माइनस 0/50 के इजकल टू ये करंट 0 माइनस वी आउट बाई 150 के, करेक्ट, और वी आई यहाँ से पुट कर दीजिए तो हम लोगों का ये वी आउट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वी आई, करेक्ट, ये आ गया 150, राइट। अब देखिए बस हम लोगों को जो पता है वही करेंगे, ये क्वेश्चन 1K 2K 4K 8K -1 वोल्ट एंड 1K 3K, हम लोगों को क्या पता है कैसे जाएंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे, जो पता है प्रोसीड करेंगे, यहाँ से 0, यहाँ से 0, जो पता है उसको लिख दीजिए पहले, अच्छा लगेगा, 0 हो गया, 0 0, अब क्या लिखना है, -1 -1